गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास, आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चे हमने ये टू चैप्टर पढ़ा था, पुनरावर्तन अकारांत पुल्लिंग। इसमें बच्चे प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया था। प्रथम पुरुष में आते हैं जैसे कि पठती, पठते, पठंते। पुल्लिंग जो आदमियों के लिए या लड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके तीनों वचन थे। आज बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर है 8, उचितम विकल्पे टिक चिन्हम प्रदर्शित है। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। जैसे मैंने बच्चे बताया था आपको, ये सेंटेंस को देखना, आपको एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन आता है तो एक पे टिक लगा दोगे, द्विवचन है तो दो पे, या बहुवचन है बहु पे। अब जैसे इसमें दे रखा सा का अस्ति, वह कौन है। अब अस्ति पता है आपको एक वचन में आता है, सा पुल्लिंग है एक वचन में आता है। अब इसमें एक बच्चा दे रखा है, दो दे रखे हैं, तीन दे रखे, बहुत सारे दे रखे हैं। जब एक वचन है तो हम एक पे टिक लगाएंगे, ठीक है। आगे आता है एतो को स्तै, ये दो कौन है। ये दो, दो के बारे में बात की जा रही है बच्चे। ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं, तो दो पे टिक लग जाएगा। ते के संति, अब ते का अर्थ होता है वे सब कौन हैं। वे सब में तो बच्चे बहुत सारे आ जाते हैं। अब यहाँ पर कितने दिए गए हैं, दो, यहाँ पर एक, और यहाँ पर काफ़ी सारे, तो आंसर होगा ये वाला। आगे आता है टू क्वेश्चन, कोष्ट के पर्दत है उचितम शब्देन उचित है रूपेन वाक्य पूर्तिम कुरत, अर्थात कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित रूपों से वाक्यों की पूर्ति करो। अब बच्चे इसमें भी आपको यही पता करना है कि ये जो है ऐशा या धावती एक वचन दिए गए हैं या द्विवचन। तो बच्चे जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर एक वचन या द्विवचन या बहुवचन फिल करना है। जैसे अश्वा है, सेंटेंस एक वचन दिया है तो एक वचन आ जाएगा अश्वा का। अगर यहाँ पर सेकंड में द्विवचन है तो सिंह का द्विवचन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ऐशा यह डैश धावती, यह दौड़ता है, कौन दौड़ता है बच्चे, एक वचन दिया हुआ है तो अश का हो जाएगा अश्वा, विसर्ग आ जाएगा जैसे यहाँ पर दिया गया है। आगे है ए तो डैश गरजत, ये दो गरजते हैं। अब ये दो बच्चे द्विवचन आया हुआ है, सिंग दिया हुआ है, सिंग का हो जाएगा सिंगो। इस तरीके से बच्चे सिंगो लिखना है आपको, ये बुक में ही करना है आपको। आगे है ते डैश इतिहासम पठंती, ते का वे सब, सेंटेंस को देख लेना बच्चे, मैं बार बार बोल रही हूँ, पता करना है आपको। पठंती किस में आता है, बहुवचन में, कि द्वि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो अब यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है छात्र, छात्र का बहुवचन क्या हो जाएगा, छात्रा, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लिखोगे ते छात्रा इतिहासम पठंती। अगला है सा डैश नृत्यति, वह नाचता है। तो बच्चे यहाँ पर एक वचन ये दिया गया है नृत्यति, तो मयूर का मयूरा विसर्ग आ जाएगा। अब है एत डैश तरंती, ये सब तैरते हैं। अब ये सब तरंती आया है, तैरते हैं, तो ब्रैकेट में मीन दिया हुआ है, तो मीन का बहुवचन क्या बनेगा, मीना, अर्थात मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ, ये सब मछलियाँ तैरती हैं। आगे है डैश गायंती, और ये भी बहुवचन है गायंती, तो कोकिल का क्या हो जाएगा, कोकिला, कोयल, बहुत सारी कोयल गाती है। बच्चे इस तरीके से आपको पता करना है सेंटेंस को देखकर कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो जो ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको एक वचन और द्विवचन इनको बनाना है। आगे आते हैं
थर्ड क्वेश्चन पे अधोलिखितनामा शब्दनामा संस्कृत लिखत इन शब्दों की बच्चे संस्कृत बनानी है। जैसे एक वचन है तो एक वचन ही बनेगा, द्विवचन है द्विवचन बनाया। अब जैसे बच्चे बालक का दिया हुआ है, बालक का क्या हो जाएगा, बालका। ये देखो इस तरीके से बालका। अब बच्चे पेज नंबर 9 पे आ जाइए। हाँ जी बच्चे, पहले है दो चोर, पेज नंबर 8 पे ही आइए। दो चोर, दो चोर का बन जाएगा चोरो, ठीक है। मोर का बनेगा एक मोर है मयूरा। आगे है अनेक हाथ, अनेक हाथ का बनेगा बच्चे हस्ता। आगे है कान, कान का बच्चे बनेगा एक कान के, कान के बारे में बात हो रही है तो कान तो दो ही होते हैं बच्चे, तो करना। यहाँ पर अगर दो कान आता तो कर्ण हो जाता, पर कान है करना। दो बंदर, दो बंदर का वानरो। दादा का पितामह। अनेक शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक के बारे में बात की जा रही है। अध्यापका। बच्चे ये वन क्वेश्चन, टू क्वेश्चन और थ्री, ये आपको अपनी बुक में ही करना है, सुंदर राइटिंग में। और बच्चे जो आपका ये 5 क्वेश्चन है, 4 और 5, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली है वो 20 तारीख से पहले बुक्स ले लें और अपनी फीस भी सबमिट करवा दें। थैंक यू।